Hey guys, once again back to the channel. Last video शायद होप आपको अच्छा लगा होगा KGF रिव्यू, और आज का वीडियो कुछ खास है मेरे लिए क्योंकि वीडियो रिकमेंड किया है मेरे उन दोस्तों ने जिनके साथ मैंने बहुत सालों पहले काम किया था, और आज उन्हीं दोस्तों का कुछ कॉल भी आया था और उन्होंने कुछ वीडियो भी मुझे सेंड किया, कहा कि यार अपने चैनल के साथ इसे भी थोड़ा एडिट करो और पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करो। तो ये बात है उन वर्क की, उन प्रोजेक्ट की जो सालों पहले मैंने किया था शिपिंग में, ऑफशोर में। आज से करीब 6 साल पहले 2014 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था येटागन C&D, आपको पता होगा बर्मा जो आज म्यांमार जाना जाता है, कभी वो भी एक टाइम में इंडिया का हिस्सा था। उसी म्यांमार में अंडमान सी में मैंने काम किया था 2014 में। तो आज उस प्रोजेक्ट का थोड़ा वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने काम किया था, और मेरे बाकी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उन्हें भी कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाए। ये उस टाइम मुझे भी याद था 2014 में एक ऐसा हादसा भी हुआ था कि उस प्रोजेक्ट को करने के पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन करने के बाद ये जरूर सोचा था कि ऐसा प्रोजेक्ट फिर कभी नहीं करेंगे। मोस्टली ऑफशोर टाइम होता है, पीरियड होता है जहाँ पर तूफान, लहरें ज़्यादा, वेव्स ज़्यादा होता है, ओशंस लहरें होती है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। इंडियन ऑफशोर में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3-4 महीने का जो टाइम रहता है ना, वो काफ़ी हद तक डेंजर होता है, और गवर्नमेंट और इंडियन ओशंस अलाउड नहीं करता आपको काम करने के लिए ऑन बोर्ड ऑन सी में। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म में कुछ कैपेसिटी होता है, इसलिए कुछ लोगों को रखा जाता है ताकि वो सेफली काम कर सके, लेकिन ऑन बोर्ड शिप पर अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट जो डिफेंस शिप्स है वो उन्हें रहना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 शिप उन हालातों में रहना ज़रूरी है फॉर आवर सिक्योरिटी। जो मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया था उसी तरह हमें जो रिपोर्ट ये मिला था कि आप इस वेदर कंडीशन में आप काम कर सकते हो, यू कैन इजीली मूव ऑन द प्रोजेक्ट। हमारा टारगेट कुछ 30 दिनों का था, हम लोग उस प्रोजेक्ट को 30 दिन में तो कर नहीं पाए, लेकिन मोर देन 60 डेज उस प्रोजेक्ट को गया, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन, तूफान, लहरें ज़्यादा उठती थी, थोड़ा डार्कनेस था, फूड और काम की दिक्कत इतनी होती थी कि काम प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं कर पाए। तो पहले मैं आपको उसका थोड़ा झलक दिखा देता हूँ, जब हम लोग गए थे कैसा था स्टार्टिंग में जब मूव किया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और वहाँ का जो नज़ारा था वो काफ़ी ही अलग था। लेट मी शो यू। तो ये वो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जो हम लोग पहुंच गए थे, तो वो ये जो नज़ारा था वो देख के हम लोग समझ गए थे कि भाई अब तो प्रोजेक्ट पूरा ऑसम जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ऐसा एडवेंचरस ट्रिप किया है, काम के वक्त कभी भी होता रहता है, लेकिन वो जो अनुभव था, जो मेरे साथ में कम से कम 120 एम्प्लॉयज़ थे जो शिप में साथ में काम करने वाले लोग थे, जब उन्होंने ये जब नज़र देखा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का, कभी भी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने वो काम पूरा किया था और वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया था। थोड़ा टाइम में देरी हो चुका था, लेकिन वो क्या करें, नेचर के सामने सब फेल है, कितना भी आप सेफ्टी रखो, लेकिन जब कुदरत का बात आता है तो फिर कुछ नहीं देखना है। ओह गाइस, जो आप मेरे साथ में जिन्होंने काम किया हो शायद उसे पुरानी मेमोरीज रिमेम्बर वापस रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स इस चैनल पे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा तो उसके लिए न्यू है। कुछ कमेंट्स आज मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर आ जाएगा कि आपको ये वीडियो कहाँ से मिला, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन दोस्तों से जिन्होंने मुझे वीडियो को सेंड किया। क्वालिटी बहुत पुराना है क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी पुराना है। उस टाइम में हम लोग कैमरास का यूज़ बहुत कम करते थे, स्ट्रिक्ट बहुत था, कैमरा अलाउड था नहीं प्लेटफॉर्म पे, और मोबाइल भी कुछ लोग ज़्यादातर लेके जाते थे नहीं। जितना कैप्चर हो चुका था उतना मेरे पास बैकअप है, मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट इसको एडिटिंग करने के लिए ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। ओह लैग एरिया, बोट लीडिंग पूरा पानी में धंस चुका है। When we started the project, मतलब जब हम लोग पोर्ट से प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे तो करीबन 14 आवर्स के टाइम लगता है ट्रैवलिंग का। मोस्टली शिप में क्या होता है कि एक बड़ा शिप होता है, अलग अलग उसके नाम होते हैं, वेसल, बार्ज, अकोमोडेशन टाइप, टैंकर टाइप और बहुत सारे। उसी तरह एक नॉर्मल अकोमोडेशन टाइप का एक बार्ज, एक शिप उस प्लेटफॉर्म में पहले से रेडी था। हमें उसे बाई बोट यानी स्पीड बोट से वहां तक पहुंचना था, क्योंकि होता क्या है कि प्लेटफॉर्म से रिक तक जाने के लिए करीबन मोर देन 72 आवर्स लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन स्पीड बोट में क्या होता है कि वो 14 आवर्स का, उसके जो पावर है नॉटिकल माइल स्पीड वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो स्पीडली रन करता है, उसे टारगेट से पहले अचीव करता है, वहां तक पहुंच जाता है। उस 14 आवर में हमारे साथ ये हुआ था कि वेव्स ज्यादा थे, लहरें ज्यादा उठती थी। तो नॉर्मली शिप में क्या होता है कि सी सिकनेस होता है, लेकिन जो पहले से एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें कम होता है। लेकिन उस ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग एटलीस्ट 70 to 80 था, 80 एम्प्लॉइज थे इसके अंदर, जो स्पीड बोट का कैपेसिटी 100 था। फिर भी कैप्टन ने इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, 70 to 80 तक का एक रखा कैपेसिटी पे कि आप सेफली जा सको, क्योंकि उसे पता था कि वेदर बहुत ही ख़राब है। तो उस 14 आवर के दौरान इवन मैं भी, जितने भी मेरे क्रू थे, सब लोगों ने बस वॉमिटिंग। आफ्टर लॉन्ग 6 ईयर के बाद मुझे पुरानी यादें वापस आ गई है, तो मैं इस वीडियो को आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से पीटीएससी का उस टाइम पे आई थिंक वियतनाम का शिप था ये, अकोमोडेशन बार्ज टाइप। और इसमें आप देख रहे हो इसके बैक साइड में कुछ कंटेनर्स थे जहाँ पर मैं रहता था। तो यहाँ पर मेरा पूरा मटीरियल करता था, जो भी स्टोर रिलेटेड हो या मटेरियल कंट्रोलिंग हो, जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड जितना भी मटेरियल हो, मैं उसको टेक केयर करता था। और उसका पूरा हैंड ओवर, मतलब जो भी वर्क रिलेटेड, जो भी मेरा वर्क था, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, सब उसी के अंदर था। कभी कभी ऐसे भी लहरें उठ के पानी आ जाता था, कभी आगे से फ्रंट साइड से भी आ जाता था, लेकिन हम लोग काम था इजीली मूव हो जाता था। और भी बहुत कुछ रिलेटेड स्टोरी है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लेकिन मैं उसको फिर कभी सेकंड वीडियोस पर डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस ये वीडियो बहुत कम यानी 10 to 15 मिनट के अंदर देख सके, क्योंकि मैं अभी जस्ट बिगिनर हूँ, तो मैं ज़्यादा और लॉन्ग करके बोर नहीं करना चाहता। 10 मिनट मोस्टली आदमी निकाल सकता है। तो हाँ, पेट्रोनास का प्रोजेक्ट था और उस टाइम पे मैं PCDC कंपनी में था, और वो पेट्रोनास का जो प्रोजेक्ट था उस टाइम पे येटागन फेस भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम था। ये बोर्ड आपको जो पुराने मेंबर्स है इनका उन्हें तो ही पता है, लेकिन जो न्यू वॉचर है उसका नाम है चीफ बॉय कुकू। और ये वो मैन बास्केट है, प्लेटफॉर्म से लेके वो बोर्ड में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जब मैन लिफ्टिंग होता है तो इस तरह हम लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। फ्लेयर है, मोस्ट अकोमोडेशन था जहाँ हम लोग रहते थे, 4 आदमी का था विद अटैच बाथरूम। और ये मेन डेक है शिप का, बोर्ड का बेड। और ये कुछ मेंबर्स थे उस टाइम पे मेरे कंपनी के, जिन्होंने जिनके साथ मैंने काम किया था, वो बुरा नाम माने उनका फोटो आ चुका है। 2014 का न्यू ईयर भी उस टाइम पे सेलिब्रेट किया था, मुझे याद है, रिमेम्बर है। सब कुछ प्लेटफॉर्म्स की, कुछ एरिया की, कुछ कवरेज, कुछ फोटोज कैसे भी करके आ चुके हैं। ये जो व्यू था आई थिंक सो शायद हेलीकॉप्टर से खींचा गया था उस टाइम पे, पता नहीं कौन सा था, लेकिन किसी ने मुझे रिकॉर्डिंग तो भेजा है, तो मैंने उससे भी थोड़ा ऐड किया है इसके अंदर। गाइस, बैक टू अगेन 2014 प्लेटफॉर्म का पूरा वीडियो मैंने मोस्टली अपने ट्राई से बेस्ट किया है आपको शो करने के लिए, होप आपको अच्छा लगे। ये मेन ब्रिज है और उसका मेन फ्लेयर है। इसमें ज़्यादातर फायर नहीं होता, जो गैसेस होते हैं वो एयर के जरिए बाहर से निकल जाता है। इसके बैक साइड में एक फ्लेयर है जो जलता रहता है, जो ये फ्लैर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो मूवमेंट होता है बास्केटिंग के मटेरियल के साइड में से करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन गैस सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए है। ये एरिया बिना सेफ्टी के आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप फिलहाल अभी इसमें फील्ड में काम करते हो, तो सॉरी गाइस अभी तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे ये फील्ड को छोड़े हुए। हाँ, ये सब फील्ड का नज़ारा ही कुछ हो रहा है। रात का तो कुछ मजा है अलग है, जब ये फ्लेयर जब जल के उठता है तो अगर पीछे आपने देखा होगा एक अकोमोडेशन का भी है जहाँ पर हम लोग स्टे करते हैं, और जो शिप है जब बाहर जो अकोमोडेशन है वहाँ पर भी स्टे करते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है लोग वहाँ पर भी स्टे करते हैं। क्रेन का हुक कैपेसिटीज का आई थिंक सो 3000 टन कुछ के आसपास तो होना चाहिए, हुकअप हुआ था। कुछ वीडियोस में एडिटिंग किया पे भी येटागन डी प्लेटफॉर्म का हुकअप था, लेकिन जब सी में काम किया था तो हुकअप नहीं था, कुछ पाइपलाइन का जॉब था, कुछ एडिशनल कुछ पाइपलाइन फिट करने में। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं कर रहा हूँ, देखने वाले को समझ में नहीं आएगा। आप जस्ट वीडियो का मजा लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं भी ज़्यादा मुझे भी इतना याद नहीं है, जो मेमोरीज जो काम किया तो उसके हिसाब से ठीक है। बहुत पुराने वीडियोज है, बीच में थोड़ा करप्ट हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो सके जितने भी मेरे वीडियोस हैं जो बैकअप में पड़े हुए हैं उससे प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करूँ ताकि देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा इंप्रेशन हो सके। प्लेटफॉर्म का मेन डेक है प्लांट का। डंबार जो होता है मोस्टली जैसे कि कुछ मटेरियल को आप क्लिक करके लेके जाते हैं, उसी तरह कुछ डंबार्स में कुछ प्लेटफॉर्म्स या फिर कुछ स्टोरेज मटेरियल का सामान रखा जाता है, बाद में वो शिप के जरिए साथ में आता है और उसको क्रेन के जरिए हुकअप करके प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। बाकी का जो फैब्रिकेशन का वर्क होता है वहाँ कंप्लीट होने के बाद इसको इंस्टॉल किया जाता है। उसके लिए हैवी टर्न का क्रेन का ज़रूरी है। मोस्टली कुछ शिप्स या कुछ बार्जेस होते हैं जिसके पास ज़्यादा हैवी टर्न होता है और प्लेटफॉर्म के पास कुछ कैपेसिटी है जो यूज़ कर सकते हैं इसको हुकअप करने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम मोस्टली आई थिंक मोर देन 100 टाइम प्लेटफॉर्म से लेके शिप में बाय मेन बास्केट के जरिए लटकते लटकते गया हूँ नीचे। मतलब एक मेन बास्केट होता है, उसके अंदर 3 से 4 आदमी का ऑलरेडी ग्रुप होता है, तो आप उसको आपको सेफली आपको नीचे धीरे धीरे मूव करके आपको तो जो शिप का जो मेन डेक रहता है वहाँ पर वो लैंड करवा देता है और आपको वहाँ से उतरना है। और दूसरा जो तरीका होता है वो जंप करना बाय रोप के जरिए, उसका मैं वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देखिए। बहुत से फोटेज मैंने इसके अंदर एडिटिंग किया है क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने फोटेजेस पड़े हुए पहले का ये बहुत ही थैंक्स टू अगेन गूगल फोटो, क्योंकि जस्ट गूगल फोटो की वजह से मेरे पास ये सारे के सारे फोटेजेस पड़े हुए और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट हो सके क्लियरिटी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। बेस्ट व्यू इज मॉर्निंग एंड द इवनिंग, द सनसेट एंड सनराइज and sometimes the full moon also. For now, hope you all guys just enjoying the video and I will try my best again कुछ नए वीडियो के साथ आने के लिए। कुछ नई पुरानी प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए उसके वीडियोस मेरे पास और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं ट्राई कर नेक्स्ट टाइम जल्दी वापस आने के लिए। और थैंक्स अगेन, आप लोगों की वजह से चैनल थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। Thanks again to all of you. Bye. Take care. Again.